आप टीचिंग करो या आप अपना बिजनेस करो, किसी में कोई इजी नहीं है। हर एक जगह आप देखेंगे कि हर एक जगह लड़कियां ही हैं। और फाइनेंशियली है इसमें बहुत कम, ये है प्रॉफिट है, वहाँ पे एक हैंडसम अमाउंट मुझे मिलता था मंथली, लेकिन यहाँ पे ये कि एक सेटिस्फेक्शन है, सपोर्ट मेरा, मेरे हस्बैंड का हर एक चीज में, कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं किसी भी चीज के बारे में। तो ऐसे सब कुछ नहीं है, खुद को बिजी रखना, बिजी रखोगे आप खुद को तो आपको हजारों बीमारियां आपको दूर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी माँ से जो अपना बिजनेस चलाती है, जिनका कहना है कि ये पहले एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने वो जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ बेचते हैं, उसके साथ साथ अपना छोटा सा स्टॉल यहाँ पर लगाया है, और जिनमें जहाँ पर ये अपने होम मेड गोलगप्पे बेचते हैं और कश्मीरी ट्रेडिशनल कहवा भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनको किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से इन्होंने उस टीचिंग को छोड़ा, उस जॉब को छोड़ा। 37 ईयर से कर रही थी, लेकिन इन्होंने फिर वो छोड़कर ये बिजनेस शुरू किया, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक इनका कहना है कि इनको इस बिजनेस में ज्यादा अच्छा लगता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर ये खुद बॉस भी है, किसी के अंडर इनको काम नहीं करना पड़ता है। करते हैं इनसे बात और जानते हैं क्या कुछ कहते हैं ये अपने इस काम के बारे में और किस तरीके से इन्होंने इसको शुरू किया। मेरा स्टॉल है, मेन मेरा है सूट्स का, लेकिन जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो मैं थोड़ा सा फूड का भी करती हूँ, क्योंकि फूड का तो कहीं भी चलता ही चलता है। तो मैं गोलगप्पे लाती हूँ और कहवा, होममेड जो इसका पानी है वो प्योरली होममेड है, और जो फिलिंग है हाइजीनिक है और होममेड है। बेसिकली आई वॉज अ टीचर फर्स्ट, तो मैंने वो छोड़ दिया वो जॉब, रिजाइन फ्रॉम द जॉब आफ्टर 27 ईयर्स। तो मुझे यही लगा कि नहीं, मैं अपनी बॉस खुद होनी चाहिए। तो मुझे वो रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं थे एक्चुअली, क्योंकि उसमें ये होता कि जो कुछ भी होता था आई डोंट लाइक दैट कि वो करो ये करो, यहाँ पे अपनी मर्जी से जो आइडियाज आते हैं मैं वो लगा लेती हूँ उसमें, यहाँ पे वो वैसा कुछ नहीं है। तो ये आइडिया मुझे आया कि बहुत सारी लड़कियां आज फील्ड में है, मुझे लगता है हद से ज्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे हर एक जगह, आप देखेंगे कि हर एक जगह लड़कियां ही हैं। मुझे लगता है कि हम सबको, हर एक लड़की को आगे आना चाहिए। फाइनेंशली है इसमें बहुत कम, ये है प्रॉफिट है, वहाँ पे एक हैंडसम अमाउंट मुझे मिलता था मंथली, लेकिन यहाँ पे ये कि एक सेटिस्फेक्शन है, दिल की सेटिस्फेक्शन है। ये कोई भी काम जो जब आप टीचिंग करो या आप अपना बिजनेस करो, किसी में कोई इजी नहीं है, हर एक में अपनी मेहनत लगती है, हार्डशिप्स लगते हैं, हार्ड वर्क लगता है। जब मैं टीचिंग में थी तब मैंने बहुत सारी हर्डल्स देखे हैं, बच्चे छोटे थे, बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे उनको कैरी करना, अपना खुद को कैरी करना, फिर जाके घर को संभालना, सुबह उठ के घर को संभालना, बच्चों को तैयार करना। वो फेज तो चला गया, वो हर एक लड़की की जिंदगी में वो आता ही आता है। अब सपोर्ट मेरा, मेरे हस्बैंड का हर एक चीज़ में, कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, कभी नहीं रोका है। उसके बाद सास, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव एवरीबॉडी। नाम आप मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ कि मैं ये काम करूँगी कि आप मुझे पूछना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, नहीं ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। कब पीछे तो बोलते होंगे वो, तो लेट देम टॉक, लोगों का काम है कहना, वो तो बातें करते रहते हैं, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, वो काम करें। आपको अपना देखना है, आप किस में सेटिस्फाइड हो, आप किस में खुश हो, आपको आगे बढ़ाना है, लोगों को नहीं देखना कोई, फिर आप कुछ नहीं करोगे। आप इवन आप घर में भी आप देखोगे ना, घर में भी आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, वहां पे भी आपको कोई छोड़ेगा नहीं। अब फील्ड में तो बात ही नहीं है, क्रिटिसिज्म तो मिलता है, वी हैव टू इग्नोर दैट, हमको उसको नहीं देखना। पैसे सब कुछ नहीं है, खुद को बिजी रखना, बिजी रखोगे आप खुद को तो आपको हजारों बीमारियां आपको दूर हो जाएंगी। पहले बीमारियां आप घर में बैठोगे सोचोगे आप,
में वो करती या ये करती या किसी और, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर है, कुछ भी आपको आएगा। आप बिजी रहोगे, सबसे पहले आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप ये मैसेज है मेरी सब पेरेंट्स से कि छोड़े अपने बच्चियों को आगे। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, क्यों पढ़ाया? ताकि वो कुछ करे। अब ये देखिए कि हर एक बार हम देखते हैं कि हमको नौकरी मिलनी चाहिए, वो तो नहीं है अवेलेबल, तो इससे बेटर है कि आपको आप छोड़िए, भरोसा कीजिए अपनी बेटी पर। नो डाउट कि पहले पहले हर्डल्स आते हैं हर एक की जिंदगी में या किसी जॉब में, जो भी आप जॉब करेंगे उसमें भी आपको हर्डल्स आएंगे, आप बिजनेस करेंगे अपने उसमें भी हर्डल्स आएंगे, लेकिन वो रहेंगी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है सेट होने में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो जाएंगे। तो यही मैसेज है कि आए, आगे आए। और ये नहीं है कि गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन ये है कि हमको आगे आना है।